जेन जी मरीजों का फेवरेट सवाल, मैम हम अपनी आंखों का रंग कैसे बदल सकते हैं? और मेरा फेवरेट जवाब, भाई इनको बदलना क्यों चाहते हो, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। बट स्टिल अगर आपने ठान ही लिया है कि आपकी आंखों का रंग बदलना है, तो कुल मिला के 5 तरीके होते हैं जिनसे हम आंखों के रंग को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी सबसे कॉमनली अवेलेबल, और मैं लास्ट में बताऊंगी सबसे ज्यादा परमानेंट मेथड जिससे आंखों का रंग बदला जा सके। सो द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल मेथड टू चेंज योर आई कलर इज कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑब्वियसली, बट प्लीज इनको किसी यूं ही कॉस्मेटिक की दुकान से या चश्मे की दुकान से ना खरीदें। अगर लगाना भी है तो डॉक्टरी सलाह से लगाएं, पहले आपकी कॉर्निया सर्फेस को चेक किया जाएगा। और जब भी इन्हें लगाना है तो थोड़ी देर के लिए लगाइए, बिकॉज इन लेंसेज की ऑक्सीजन परमेबिलिटी बहुत कम होती है। यूज इट ओनली फॉर कॉस्मेटिक पर्पज, ओनली फॉर फ्यू इवेंट्स इन योर लाइफ, बिकॉज ये आपकी आंखों की कॉर्निया को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। अगर इनको लगाने के बाद आपकी आंखें रेड हो रही हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करें। मार्केट में कुछ ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं जो ये एलिज करती हैं कि ये आंखों के रंग को बदल सकते हैं। इन ड्रॉप्स की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है, और ना ही ये ड्रॉप FDA अप्रूव्ड है। तो ये कह पाना कि क्या ये रंग को बदलेंगे या नहीं बहुत मुश्किल है। सो बेहतर होगा कि ऐसी ड्रॉप से आप दूर ही रहें। तीसरा, सर्जिकल मेथड जिसमें हम आंखों की कॉर्निया में पिगमेंट को इम्प्लांट करते हैं। इसमें हम आंखों की कॉर्निया में मैनुअली या लेजर के द्वारा पिगमेंट को इम्प्लांट करते हैं आयरिस के लेवल के ऊपर, जिससे कि कॉर्निया का कलर चेंज हो सकता है। ये सुनने में महसूस करने में सेफ लगता है, मगर लॉन्ग टर्म में ये आपकी कॉर्निया में स्कार कर सकता है और परमानेंट विजन लॉस भी कर सकता है। One of the methods which is commonly used in certain countries is photo ablation of the iris. इसमें लेजर के द्वारा आयरिस की जो आंखों की मसल्स होती हैं, इसकी सरफेस को एब्लेट करते हैं, जिससे कि उससे पिगमेंट झड़ जाते हैं और वो ग्रे या ब्लू दिखने लगते हैं। अगेन, ऐसा प्रोसीजर लॉन्ग टर्म में आपकी आंखों में ग्लॉकोमा कॉज कर सकता है, जो कि परमानेंट विजन लॉस का कारण बन सकता है। पांचवा मेथड, जो कि कई समय तक बहुत ज्यादा यूज हुआ था, सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश था, वो था मेथड ऑफ आयरिस इम्प्लांट्स। इसमें डेडिकेटेड इम्प्लांट थे जो हम आपकी आयरिस के ऊपर इम्प्लांट कर देते थे सर्जरी द्वारा। ये प्रोसेस कुछ समय तक FDA अप्रूव भी था, बट देन FDA ने इसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसमें बहुत केसेस परमानेंट ब्लाइंडनेस के सामने आए, मरीजों को ग्लॉकोमा, कैटरैक्ट या परमानेंट कॉर्नियल डैमेज भी हुआ। तो ये 5 मेथड्स हैं जिनसे टेक्निकली आप अपनी आंखों के रंग को बदल सकते हैं। बट आई विल अगेन से द सेम, क्यों भाई, भगवान ने जैसा बनाया है वो सबसे सुंदर है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज एवरी आई डिजर्व्स अ शाइनी A+, नॉट अ ब्लरी B।